बहनों और उनके भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो टुनाइट विद बिल्लू रंगीला। आज हमारे यहाँ बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। बिल्लू, अरे इनको किसने बुला लिया, ये कहाँ से आ गई? हाँ गुच्चू भैया, अरे गुट्टू भैया आप यहाँ पे? आपको नहीं पता लॉकडाउन चल रहा है? हाँ पता मुझे। वो अमेरिका में इतने केस हो गए और आप यहाँ घूम रहे हो? रेड रहते होंगे अमेरिका वाले, हम ना ड्रा करते। ये तो है, हमारे यहाँ तो त्योहार मना रहे इसका भी, कभी थाली बजावे और कभी दीवे जलावे। अमेरिका वालों को नू तो पता नहीं कल को जीवेंगे या मरेंगे, और हमारे यहाँ की लुगाइया अगले साल लोग आम का चार घल्लू बैठी। और हमारे यहाँ के बाढ़ की कौन सा कम है? नू कहता चोल्लू का पप्पू कोरोना को बंद करके धरूंगा, अगले साल के पेपरों में काम आएगा। ये पप्पू हो या वो पप्पू हो, बात दोनों एक जैसी करते हैं। सही कह रहा, सही कह रहा। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं तो यूं देखने आया, मेरा भाई बिल्लू यूट्यूब चला रहा, क्या करने लग रहा भाई? यूट्यूब पे मन ना तीन डाल के लोग देखे, एक किसी गाली देने वाले, दूसरे किसी गाली खाने वाले, और तीसरे वे आ जा लो भाई खिच्ची सी काट के, हेलो ब्रांड चाय पी लियो, इमरती खा लो, फलाना कर लो, टिकड़ा कर लो। हाँ दो चार कीटाणु और निकट गए लॉकडाउन में, चमकीली सी शर्ट पहन लें, किसी को इंटरव्यू कर लें, अरे कह बढ़ गए यूट्यूबर। कदी इनकी कोरोना वैक्सीन आ जा, कदी किचन का ऑडिट कर लें, नु भी हो गया कहीं रह यूके चाइना का फोन यूज करे, तेनू ना पता चाइना का सामान ना लेना। पहले वो करें थे हिंदी चिन्नी भाई भाई, इब तो हिंदी चिन्नी भाई भाई। देख मैं मेले में तो कई शर्ट लेकर आया, ये रे देख, से नो टू चाइना प्रोडक्ट। हाँ दिखा रहा है सर। गुड्डू भैया ये तो मेड इन चाइना निकली। अल्लाह की भाई, ऐ सुसरे चिन्नी है नाने के बाद। ओह नो। गुड्डू भैया मेरे इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, आप जाओ ना प्लीज। क्या कर रहे हो? काहे के पचड़ो में फंसा है तू, अपना इंटरव्यू खुद ही ले लेना। मोदी जी का भाषण ना सुना तन्ने? आत्मनिर्भर बना आत्मनिर्भर। गुड्डू भैया गेस्ट आने वाले हैं। जा रहा, हाँ ठीक है जा रहा, ले ला भाई। थैंक गॉड गुड्डू भैया चले गए। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी खास मेहमान इंटरनेट सेंसेशन पिंचक सूजा, गालियों से तालियों से स्वागत कीजिए। वैक्सीन मैंने ले लिया, फोन आया उसका आज, दिल पे मेरे गिर की गाज। गाना सुन के इनका आज उठ गई मेरे कौन में खाज। पिंचक सूजा आपका नाम मुझे बहुत फनी लगता है, आई मीन सच ए यूनिक नेम, इसके पीछे का सीक्रेट बताएं जरा। जी जरूर, थैंक यू। मुझे ना बचपन से एक बड़ी ढिंचक सी आदत है। हैं क्या? इधर आओ बताती हूँ। मैं ना जब लोगों को ऐसे पिंच करती हूँ तो वो सूज जाता है, दैट्स व्हाई My name is Pinchak Suja. चलिए अब थोड़ा आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी कम एज में आप इतनी बड़ी इंटरनेट सेंसेशन बन गई। हाँ छोटे मोटे बिग टॉस जैसे शो में भी आती रही हैं आप। हालांकि अब आपको इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है टुनाइट विद बिल्लू रंगीला, तो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ डियर मिस पिंचक सूजा? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा बिग टॉस में? डियर मत बोलिए मुझे, आपको पता नहीं है बिग टॉस कौन चलाता है? भाई भाई और डियर का रिश्ता क्या है? अभी मैं आपका गाना सुन रहा था बैक स्टेज। हा 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 हा, क्या आवाज है आपकी, आपकी आवाज तो जैसे कोयल। की मिमिक्री ओम पूरी कर रहा हूँ, मारूंगा हड्डी पसली कर दूंगा सड़े की। आपकी आवाज पे तो लाखों लोग घायल, आई मीन कायल है आवाज पे कायल। माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यू नो आपके गानों पे लाखों लोग मरते हैं, कान पकड़ के ब्लीडिंग होने लगती है ना। आप इतनी अच्छी सिंगिंग कैसे कर लेती हैं पिंचक सूजा जी? थैंक यू। मैं अपनी सिंगिंग के सारे क्रेडिट अपने गुरुजी को देती हूँ।
By chance, आज वो ऑडियंस में ही बैठे हैं। अच्छा? मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। Why not? Why not? हम भी ऐसी महान शख्सियत से मिलना चाहेंगे जिसने इतने यूनिक टैलेंट को तराशा। छोटी है बिल्डिंग टाणा नाना नान, खिड़की खुली है टाणा नाना नान, आ तो मैं जाऊं टाणा नाना नान, तेरी शक्ल ना पसंद है। अरे फन्नू जी, आप हैं पिंचेक सूजा के टीचर, आपके तो सब फैन हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे शो में। फन्नू जी, मैं तो आपकी शायरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं छोटा सा शेर हो जाए प्लीज। अर्ज क्या है? दिशा दिशा, तू है बड़ी अनोखी, तुसा ना कोई दूजा। पिंचक सूजा, पिंचक सूजा, पिंचक सूजा। तुमने क्या मुझे दो कोड़ी का सिर समझा हुआ है? पहले पूरा सिर सुनो। अर्ज क्या है? दिशा दिशा, तू है बड़ी अनोखी, तुसा ना कोई दूजा। पिंचक पिंचक पिंचक, सूजा सूजा सूजा। आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। कौन पाता, कौन पाता? सर, आपके पास से ही बदबू आ रही है, मुझे तो लगता है आप ही पादे हो। अबे हम नहीं पादे हैं, हम तो हगे हैं। पता लगाओ पादा कौन। अरे रुको रुको गाइस, मैं बताती हूँ कौन पादा। आधा पादा किसने पादा? रामचंद्र जी की घोड़ी ने फुस फुस करके पादा। आ गुरुजी, आपने आग लगा दी। अरे बेटा पिंचे, बहुत दिनों से कोई गाना नहीं सुना तुम्हारा, कोई गाना तो सुनाओ। जी गुरुजी। अनलॉक मैंने कर लिया, अनलॉक मैंने कर लिया, अनलॉक मैंने कर लिया, अनलॉक। अरे बस 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 बस, अनलॉक होने वाली शक्ल नहीं है आपकी। हम तो कब से वेट कर रहे हैं आपके मुंह पे लॉक कब लगेगा। अनलॉक मैंने कर लिया, अनलॉक मैंने कर लिया। पिंचक सूजा जी, पिंचे पिंचक सूजा जी, आपके क्रिटिक्स का ये कहना होता है कि आपके गानों के ना सिर होता है और ना पैर होता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखे बिल्लू जी, ऐसा नहीं है, लोग मेरी कला को समझ ही नहीं पाए। मैं तो जो भी ट्रेंडिंग है वही लोगों तक पहुंचाती हूँ। वैसे मैंने एक दो सीरियस गाने भी अभी बनाए। आपने सीरियस गाने? मैंने भी देखा था एक बार इसको। रियली? यस। ओके, वो आपको मेरी लेटेस्ट एल्बम में सुनने को मिलेगा। रियली? वाओ, हम एक तो छोटी सी झलक देख सकते हैं इसकी? या श्योर श्योर, या प्लीज। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, जो भी मेरे पास आता कर देती हूँ उसको टाटा, और अगर वो फिर ना जाता मारती हूँ चप्पल बाटा। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। रे बिल्लू, यू के कदर बंड मचा रखा है? रे गवाणी तो सपना चौधरी से गवा लेता, भगाने इन्हें। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।